गाइस ये घर देख सकते हो, ये जो घर है ना मंत्री जी का है, रामसुरत राय मंत्री जी का, जो मेला लगवा रहे हैं। ये देखिए एक कैमरामैन है। अच्छा, कैमरा चलाने नहीं आता लेकिन कैमरामैन है। राम राम जय राजा राम। और ये देखो पीछे इतना बड़ा, और ऊपर चाचा को देख लो। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह तुम लोगों को मेगा पिक्सल का कैमरा ऑन करके, अब ये मत समझना कि मैं नहा के आया हूँ ना तो वो दिखाने के लिए, बाल दिखाने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है, भूल गया था टोपी लगाना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं छोड़ो ये सबको मारो गोली, और आज के ब्लॉग को करते हैं इसे स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में हम लोग आप सबको दिखाने वाले हैं कि आज कलश यात्रा निकल रहा है हमारे मेले में, जिस मेले का ब्लॉग डाला था पिछली बार उसी मेले में आज निकले। यार अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो आज के ब्लॉग में गाइस हम आप सबको दिखाने वाले हैं कलश यात्रा, क्योंकि 2000 कन्याएं गई है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप सबको बिना किसी देरी के। गाइस देख सकते हो अभी हम आए बिल्कुल अकेले, यहाँ पे कोई नहीं है हमारे साथ, देख सकते हो आगे पीछे में कोई नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हो सामने में हमें दिख गया, यहाँ पे निकल चुके हैं। गाइस हम बहुत लेट हो गए, गाइस इतना सुबह सुबह उठ के नहाना पड़ा फिर भी लेट हो गए, गाइस क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं गाइस, सामने देखो। गाइस अभी सामने से हाथी आ रहा है, बहुत दिन पे हाथी दिख रहा है हमें, तो आप सबको भी सोच रहा हूँ दिखाने का, और बाजा बज रहा है इसी कारण बता रहा हूँ, ऐसे इसलिए मैट्रिक में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देखेंगे कितना सारा कन्याएं गई है यहाँ से, लगभग 2000 के करीब में गई है यहाँ से, और अभी हम सबसे पिछले वाले हिस्सा में आ चुके हैं, खत्म होने के करीब पे है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पीछे आ गए हैं और फिर से जा रहे हैं हम लोग आगे और दिखाते हैं आप सबको। तो चलिए चलते हैं और बने रहो ब्लॉग में, कंटिन्यू आप लोग। ये देखिए एक कैमरामैन है। अच्छा, कैमरा चलाने नहीं आता लेकिन कैमरामैन है। तो भाई जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आगे आ चुके हैं, और जितनी भी कन्याएं थी सब पीछे की, काफी पीछे थी एकदम पीछे, और हम लोग आ चुके हैं सबसे आगे, और मेरे पास में ये देख सकते हो हाथी का, बहुत दिन बाद देखने को मिला है गाइस, छूने का परमिशन मिल गया गाइस। गाइस ये अंकल पीछे से बोल रहे हैं, भैया परमिशन दे दिए फिर भी, ये देखिए पीछे से बोल रहे हैं, तो छोड़ दिए गाइस, हम थोड़ी ना घर पे उठा के ले जाएंगे इसको, तो चलिए चलते हैं गाइस। गाइस ये देखो हमारे पीछे बच्चा पार्टी, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोल। सबके सब मेरे ब्लॉग देखते हो ना, देखते हो सब। आज ये रहा मंत्री जी का घर, ये देखिए जो मेला लगवा रहे हैं ये उनका घर है गाइस, देख लो ज्यादा कुछ नहीं गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो अभी हम कहाँ हैं, ये ब्लॉग में आने के लिए एकदम बेताब हो रहा है अभी तो इतना फेमस भी नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैं चूतिया हूँ। गाइस ये घर देख सकते हो, ये जो घर है ना मंत्री जी का है, रामसुरत राय मंत्री जी का, जो मेला लगवा रहे हैं, जो कि आपको थोड़ी देर पहले बोला था, और उधर में सब आदमी सब ठहरे हुए हैं, ये देख सकते हो गेट के अंदर आने से एंट्री, नो एंट्री था गाइस, हम घुस गए कैमरामैन के साथ, कैमरामैन के साथ रहने में फायदा है गाइस। तो ऐसी हो
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी कन्याकुमारी जो कि सबसे पूरे कलश यात्रा में सबसे छोटी और सबसे आगे देख सकते हो यहाँ पे बोलो जय श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। लेकिन एक सेकंड बिमल बोलो सुबह की श्री तो गाइस देख सकते हो फाइनली हम लोग पहुंच गए नदी के किनारे जो कि देख सकते हो सामने ये रहा नीचे में नदी सारी कन्याएं देख सकते हो पीछे में लगभग 2000 कलश आए हैं गाइस और एक साथ सभी जुटने वाले हैं तो सबको एक साथ दिखाऊंगा गाइस देख सकते हो और यहाँ पे लगभग 2000 कन्याएं आ चुकी है गाइस यहाँ पे देख सकते हो और सबको एक साथ दिखाएंगे बहुत ही बवाल सीन आने वाला है गाइस तो बने रहो ब्लॉग में कंटिन्यू और दिखाते हैं आप सबको पूरा सीन। चलिए चलते हैं गाइस इतना भीड़ है ना इतना भीड़ है इतनी लड़की आई है कि कोई काबू नहीं कर पा रहा है गाइस क्या ही कर सकते हैं और यहाँ पे देख ले देखो गाइस क्या कर रहा है मेरा फेस आना चाहिए कौन है तू लड़की है। हाँ मैं लड़की हूँ मैं छक्का बनना चाहता हूँ शादियों में ताली पीट पीट कर पैसा कमाना चाहता हूँ। गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली नदी में और हम कहाँ पे बैठे हैं वो भी देख लो और सामने देख लो ये सारे कन्याएं और पानी लेने के लिए सब बैठे हुए हैं ये देख सकते हो। गाइस ये देखो अभी पूजा समाप्त हो चुका है और सब लोग एकदम हुलहुल हुलहुल करके ये देख रहे हो कैसे कर रहे हैं। एक लड़की भी इसमें गिर गई थी अभी अभी जस्ट वीडियो नहीं बना पाया मिस हो गया कैसी अपमान कर बातें करा लोटा ये क्या ही करे उस टाइम कैमरा चालू नहीं था यार। और ये देखो यहाँ पे ये देखो गाइस यही एक लेडीज थी जो गिर गई थी इस पानी में जो कपड़ा भींगा पड़ा है वो देखो भाई साहब कितनी सारी लड़की आई है देखो एक बार अकेले तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे इतना जल्दी मेला भी लग चुका है। हेलो चाचा कैसे बोला भाई 5 रुपया के थोड़ा पास 1 रुपया दे बा 1 रुपया में वहाँ मिले देना दा बिहार पैसा दे देवा ताल भेंट करिया गरा कॉले भेंट करिया ठीक है तो ना देवा ता हसदे चेहरिया का मतलब यही नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफा ना डील करना होता। देखो 1 रुपया में खाली दे देना बर्फ ना दिया खाली करके जाइए गाइस जो हमको तो रास्ता दिखा रहे हैं चाचा यार चलो यार चलते हैं यहाँ से। गाइस मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है पैसा वाले भैया हमको बोला है कि चलो आइसक्रीम खा लो अच्छा हम चल आए हैं खिलाइए भैया आइसक्रीम खिलाइए। हेलो गाइस ये रशियन से मिलिए गाइस वाह क्या लड़का है वेरी हैंडसम बॉय जाई के नचनिया से फसल सुबह काला भैंस से मिलिए गाइस देखिए गाइस सब शर्मा रहे हैं बुआजी की छौड़ी है तन्ना गोली मारते और यहाँ पे बर्फ खाते हैं एक आइसक्रीम दे ना रुको जरा हमारा पैसा ना हंसे पैसा नहीं तो फ्री में देंगे ठीक है ठीक है गाइस हम बर्फ ले लिए जा रहे हैं बिना पैसा के बाहर ऐसे ऐसे मौका मिले ना तो छोड़ना नहीं चाहिए है ना। चलिए गाइस चलते हैं हम लोग ब्लॉग में बने रहो कंटिन्यू और दिखाते हैं फुल पावर में तो चलिए चलते हैं गाइस अभी हम जा रहे थे घर के तरफ और भाई बोलते हैं कि थोड़ा चिलगोजरा सबको दिखा दो पहली बात तो हम चिलगोजरा समझे नहीं और बताइए चिलगोजरा होता क्या है यार चिलगोजरा जैसा हमें आप हो गए गजब बेचती है यार। हेलो गाइस ये देखो हम कैमरामैन बन गए और चल निकल देखो हम कैमरामैन हैं अच्छा। यहाँ पे बच्चा सब बोला कि हमको ब्लॉग बना लीजिए तो बच्चा सबको ब्लॉग में ले रहे हैं। हेलो गाइस गाइस सब क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे भाषा के बाहर है सब तो चलिए चलते हैं इसी के साथ बने रहो ब्लॉग में कंटिन्यू और दिखाते हैं आप लोगों को सीधा चलते हैं राम मंदिर तो चलिए चलते हैं आए सब हंस रहा है गाइस छोड़ो चलिए चलते हैं। गाइस ये देखो ऐसे ऐसे लोग रास्ते में मिलते रहते हैं ये देख सकते हैं ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहे हैं देखो इतनी सारी भीड़ लगी है यहाँ पे कन्याकुमारी सब जा रही है
कहाँ कलश यात्रा में है ना, कलश यात्रा में और बीच में गाड़ी लेके घुस गया बताओ। ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते, उसको न्यूज में बैठा देंगे, न्यूज में उसको न्यूज में आप बैठा देंगे, न्यूज में बैठा देंगे, न्यूज में बैठाओ। चलिए चलते हैं, ऐसे ही फोन के लिए बना लिए वीडियो, तो बने रहो ब्लॉग में कंटिन्यू, चलिए चलते हैं। ये है लीची का पेड़ जो आप लोग तो कभी देखे नहीं होंगे। हमने तो कभी नहीं देखा। और एक चीज दिखाते हैं आप सबको, ये देखिए इसमें रहता है मधुमक्खी जो लीची के पेड़ पे जाके फूल पे हगता मुता है तो फल हो जाता है गाइस। ये देखिए पकड़े हुए हैं भैया, ना ना रहने दीजिए। तो यही सब लीची जाता है देशों विदेश, आप लोग तो खाइए होइएगा, पता होगा आप सबको। तो भी पहले पीछे कर लेते हैं, तो यही दिखाना था, क्या देख रहे हो, चलो चलते हैं। तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, तो गाइस ये देखो पीछे यहाँ पे हाथी हमारे पीछे इतना बड़ा, और ऊपर चाचा को देखो। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस। और मेला में हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्द, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। देख सकते हो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेला के गेट पर, और यहाँ पे देख सकते हो सबसे आगे जो हाथी था वो हाथी सबसे पहले इधर से भी गया था, उधर से भी आया है, और पीछे में कलश यात्रा है जो जितने भी 2000 का न्याय गई थी सबके सब आ रही है इसके, मतलब कि इसके पीछे है जो देख सकते हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो आता है तो आप लोग को दिखवाते हैं, तो बने रहो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू। गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो जितनी भी कन्याए गई थी कलश यात्रा में उन सबके लिए खाने के लिए, रोम रोम भाइयों, तो जितनी भी कन्याए गई थी सबके खाने के लिए इसमें भीड़ है। गाइस थोड़ा थोड़ा हमको दिख रहा है वो दिखाता हूँ, ये देखो साफ साफ दिख रहा है सारी कलशा जो जितनी भी कलशा थी सब यहाँ पंडाल के पास आके और इसमें रखाएगा, तो आप लोगों को दिखाता हूँ सब कुछ, तो चलिए चलते हैं और बने रहो। गाइस यही वो जगह है जहाँ पे मैंने अभी 5 मिनट पहले चप्पल खोला था, गाइस चप्पल चोरी हो गया यार, बताओ अब दोबारा कभी चप्पल पहन के नहीं आऊंगा, जब भी आऊंगा जूता पहन के आऊंगा और खाली पैर आऊंगा, और ऐसा नहीं आऊंगा गाइस। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। चलिए चलते हैं, ये देखो गाइस राम मंदिर देख सकते हो हमारे पीछे कितना बड़ा पंडाल, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है आप सब देख सकते हो, और ये क्या ही बताऊं आप सबको, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे देख के घूम के। और उधर वैष्णो देवी गुफा है, और उधर में डिज्नीलैंड लगा हुआ है जो अभी हम चल के आप सबको दिखाने वाले हैं बहुत ही जल्द, बने रहो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू। क्या चाहते हो, बंडी क्लास 8 को मरने पड़ते हैं, मोबाइल जाते हैं, मोबाइल चाहते हो? हाँ। गाइस इसका नियत ठीक नहीं लग रहा है गाइस, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। गाइस हम लोग अभी आए थे वैष्णो देवी गुफा का वीडियो बनाने, जो कि चाचा लोग का परमिशन नहीं मिल रहा है हमें अंदर वीडियो बनाने का, तो बोल रहे हैं कि बाहर से वीडियो बना लो, तो जा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को बताया था उस दिन कि उधर राम मंदिर है और उधर डिज्नीलैंड लगता है, तो आप लोगों को फिर से दिखा दूं कि उधर ये देखो राम मंदिर और उधर में वैष्णो देवी गुफा, और इसके अंदर इस गेट के अंदर में है उधर जो डिज्नीलैंड मेला लगता है, उधर जो सिर्फ झूला वूला रहता है, और यहाँ पे गेट के साइड में जस्ट आपको बाथरूम दिखेगा, उस दिन बताया भी था, और पीछे में देख सकते हो इधर खाने का सामान मिलेगा और उधर हगने का जगह मिलेगा, बस यही बताना था। और आगे झूला के बारे में बताते हैं आप सबको, तो बने रहो ब्लॉग में कंटिन्यू, और चलिए दिखाते हैं और एंजॉय करते रहो आप लोग हमारा ब्लॉग फुल पावर के, चलिए चलते हैं। सामने में उधर 2 थिएटर है जो कि आज थिएटर जाके नहीं दिखाऊंगा वहां से, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया हूं गाइस आज घूम घूम के। और इधर में डिज्नीलैंड का गेट है जो कि एक अंदर जाने का और एक बाहर निकलने का गेट है, शायद 2 गेट बन चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो सामने में झूला है, तो अंदर चल के दिखाते हैं। इधर में सिर्फ झूला वाला के लिए पर्सनल है डिज्नीलैंड, और उधर में थिएटर है, तो चलिए चलते हैं और अंदर चल के दिखाते हैं आप सबको। देख सकते हो गाइस जैसे ही आप लोग गेट के अंदर घुसेगे तो यहाँ पे सिर्फ लेडीज का सामान मिलता है, देख सकते हो कपड़ा लता जो भी हो, चप्पल जूता से लेके लेडीज का जो भी सामान होता है बच्चों सबका सब मिलेगा इसमें अंदर, इसके अंदर। और चलते हैं और आपको इधर दिखाते हैं, इधर यहीं से स्टार्ट हो जाता है झूला का, जो कि ट्रेन वाला झूला सबसे फर्स्ट में भी मिलेगा आप सबको, और इधर शायद फिश टनल भी आने वाला था तो अभी तक तो देखने का नहीं मिला है, शायद से 1-2 दिन में आ जाए तो अच्छी बात है, बट सुना था कि आएगा, मंत्री जी खुद बोले थे कि फिश टनल भी आएगा, तो देखते हैं आता है या नहीं और दिखाते हैं आप सबको उधर, तो चलिए चलते हैं। अंदर में आओगे तो सबसे पहले आप सबको ये वाला जो विदेशी झूला है ये देखने को मिलेगा, उसके बाद टावर वाला जो डोली वाला झूला होता है, और उसके बाद मौत का कुआं, और फिर इधर में है
जो ड्रैगन वाला जो भी बोल सकते हो आप लोग, ये कौन सा झूला है पता नहीं, नाव और ड्रैगन जो भी बोल सकते हो। और यहाँ पे एक सबसे डेंजरस झूला मेरे को ये लगा गाइस, इससे भी डेंजरस ये झूला है जो कि पूरे बीच में लगने वाला है, जो कि क्रान से देख रहे हो अभी तक काम चल रहा है झूला लगने का, और अभी तक झूला लगा नहीं है और झूला लगने ही जा रहा है। और बहुत बवाल है गाइस, इसमें जो भी बैठेगा ना, जो भी बैठेगा हालत खराब हो जाएगा गाइस, जिगरा वाले ही सिर्फ बैठ सकते हैं इसमें, जैसे कि मैं। अरे बाबा क्या ही बोलूं गाइस, तो ये देख सकते हो। और ये झूला और ये झूला में तुलना करो तो ये गाइस सबसे बड़ा झूला है, ये हाइट में सबसे बड़ा झूला है गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो एक डोली वाला ये है और एक डोली वाला सामने है, और उससे भी बड़ा ये सबसे बड़ा झूला है। और यहाँ पे सबसे खतरनाक बोल लेते हुए ये है और दूसरा वो है जो कि बहुत खतरनाक है गाइस। तो रहने देते हैं गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग मेला देखने आ रहे हो या नहीं कमेंट कर देना, मिलते हैं आप सबसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, चिल्ड्रन टेक केयर, जय माता दी।